हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों, जय हिंद, नमस्कार। आप लोगों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन वंदन है आपके अपने YouTube चैनल डबल ए एकेडमी में। चलिए मेरे दोस्त, तो हम लोग हिंदी की कक्षा में क्या पढ़ रहे थे, तो हिंदी की कक्षा में हमने शुरू किया था वर्णमाला। वर्णमाला को दो भाग में बांटा, स्वर और व्यंजन। ठीक है, स्वर को हमने पढ़ा दिया था, अब हम लोग आगे बढ़ेंगे व्यंजन की ओर। और व्यंजन में भी हमने आप लोगों को दो पार्ट दे दिया था, आज व्यंजन का तीसरा पार्ट होगा। ठीक है, आज व्यंजन का कौन सा पार्ट होगा, तीसरा? तो हमने पहले पार्ट में व्यंजन का वर्गीकरण और व्यंजन को पढ़ाया, जबकि दूसरे पार्ट में हमने आप लोगों को व्यंजन में स्पर्श व्यंजन को पढ़ाया और उसके साथ साथ क्या पढ़ाया था। तो अब इसके बाद हम लोग व्यंजन में तीसरा पार्ट देखेंगे और आज पढ़ने वाले हैं व्यंजन का अगला पार्ट और क्या क्या रहेगा उसको देखते हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे अंतस्थ व्यंजन। आज हम लोगों का पहला टॉपिक रहेगा दोस्त अंतस्थ व्यंजन। देखिए, अंतस्थ व्यंजन आज का टॉपिक रहेगा अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन कहते किसे, पहले इसको देखते हैं। अंत का अर्थ होगा अंदर, अस्थ का अर्थ होगा स्थित। अंत का अर्थ होगा अंदर, अस्थ का होगा स्थित, अर्थात ऐसे व्यंजन वर्ण जिनका उच्चारण करते समय, ऐसे व्यंजन वर्ण जिनका उच्चारण करते समय ऐसा प्रतीत हो कि हवा अंदर ही स्थित रहती हो या अंदर ही स्थित हो, उसे कहते हैं अंतस्थ व्यंजन। इसके अंतर्गत कौन कौन से व्यंजन आते हैं, तो अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं, तो अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत आते हैं य, र, ल, व। इसके अंतर्गत किसको किसको शामिल किया जाता है, य, र, ल तथा व। ठीक है, आगे देखिए, ये जो अंतस्थ व्यंजन होते हैं कितने होते हैं, चार। इसमें से जो अंतस्थ व्यंजन है, इसमें से दो व्यंजन को, दो व्यंजन को किसको किसको, इस य को और व को क्या कहा जाता है, अर्धस्वर कहा जाता है। य को और अर्ध, इसको क्या कहा जाता है दोस्त, अर्धस्वर कहा जाता है। ठीक है, य और व को अर्ध स्वर कहा जाता है। जैसे आप लोग देखे होंगे कि कौवा ऐसे भी लिखते हैं और कौवा ऐसे भी लिखते हैं। ठीक है, आगे देखिए, यह आपका देखिए व जो है, यह और यह आधे स्वर का भी उच्चारण करता है, बोलते समय किसका उच्चारण करता है, आधे स्वर का भी उच्चारण करता है, काम कर लेता है। य और व को क्या कहते हैं दोस्त, अर्ध स्वर कहते हैं। ठीक है, अंतस्थ व्यंजन किसे कहते हैं, तो ऐसे व्यंजन जिनका उच्चारण करते समय हवा अंदर ही स्थित रहे, य व, बाहर निकल रही है क्या हवा, मुख से बाहर नहीं निकल रही है, य, र, ल, व बाहर नहीं निकल रही है, इस कारण इसको क्या कहते हैं, अंतस्थ व्यंजन। और अंतस्थ व्यंजन में दो दो होते हैं, य और व, यह क्या कहलाते हैं, अर्धस्वर कहलाते हैं। इनका उच्चारण करते समय, इनका उच्चारण करते समय जो आपकी हवा होती है, या इनका उच्चारण करते समय स्वरों का भी क्या होता है, मेल होता है। जैसे देखिए, य व, कौवा कौवा, देख लीजिए उदाहरण आपको मिल गया, कौवा और कौवा में। ठीक है, अगला वाला चलिए देखते हैं और इसके बारे में कुछ जानकारी है उसको देखेंगे। तो साथ में मेरे दोस्त लिखते रहिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लिखते रहेंगे ना तो सही रहेगा। आगे देखिए, हो गया अंतस्थ व्यंजन, आगे देखते हैं, इसके बाद र के बारे में देखेंगे और ल के बारे में। ठीक है, आगे देखिए, यह जो अर्ध स्वर है, आधा स्वर है ना, आधा स्वर है, तो इनको आधा स्वर कहते हैं, अर्ध स्वर कहते हैं, और इनको और क्या कहते हैं, तो स्वर और व्यंजन के बीच की ध्वनि भी कहते हैं, स्वर और व्यंजन के बीच की ध्वनि, स्वर और व्यंजन के बीच की ध्वनि किसे कहते हैं, तो स्वर और व्यंजन के बीच की ध्वनि य और व को कहते हैं। ठीक है, स्वर और व्यंजन के बीच की ध्वनि किसको कहते हैं, तो य और व को कहते हैं। अब र के बारे में चर्चा करते हैं, र के बारे में क्या क्या है, या र को क्या क्या कहते हैं, तो र को क्या क्या कहते हैं, तो र का तनि उच्चारण करिए आप लोग करिएगा। देखिए, र को उच्चारण करते समय आपकी जिह्वा
बहुत ज्यादा कंपन करेगी, र र र दो तीन बार इस बीच में जी हवा आपकी ऐसे जैसे तरंग करती है गति, ऐसे 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 वैसे कर रही है ना दोस्त। तो र को प्रकंपित वर्ण कहते हैं या प्रकंपित कहते हैं, र को क्या कहते हैं, प्रकंपित वर्ण, प्रकंपित वर्ण। और इस र को और क्या कहते हैं, तो जो कंपन कर रही है दो तीन बार जा रही है उसको कहते हैं जीवा का लुंठन करना, का करना लुंठन करना या लुढ़कना। तो जीवा जब लुढ़क रही है तो उसी को कहते हैं लुंठित वर्ण। ल को क्या कहते हैं, लुंठित वर्ण कहते हैं। ल को क्या कहते हैं, लुंठित वर्ण भी कहते हैं र को, और र को प्रकंपित वर्ण भी कहते हैं। य व के बारे में चर्चा हो गई कि यह अर्ध स्वर है, स्वर और व्यंजन के बीच की ध्वनि है। र के बारे में चर्चा हो गई कि र क्या है, र को क्या कहते हैं, प्रकंपित वर्ण कहते हैं या लुंठित वर्ण कहते हैं। अब देख लेते हैं ल के, ल को क्या वा होता है, तो ल को पार्श्विक व्यंजन कहते हैं। ल को क्या कहते हैं, ल को मेरे दोस्त पार्श्विक व्यंजन कहते हैं। र को क्या कहते हैं, पार्श्विक व्यंजन। र को क्या कहते हैं मेरे दोस्त, पार्श्विक व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं, र को पार्श्विक व्यंजन कहते हैं। ठीक है, चलिए अब जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट बना लीजिए, साथ में लिखते रहिए। स्क्रीनशॉट बनाना कोई जरूरी नहीं है यदि साथ में लिख लेंगे तो। ठीक है, हमने बताया आज हम लोगों का टॉपिक पहला वाला बना था अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन के बारे में हमने क्या क्या देखा, तो अंतस्थ व्यंजन को हमने देखा कि इसमें आता कौन कौन है, य र ल व, कौन कौन आता है, य र ल व आया। फिर इसके बाद हमने क्या बताया, जब य र ल व आया तो हमने बताया कि इसमें जो य है और वह है, यह क्या है, अर्ध स्वर है, आधा स्वर है। क्या है, आधा स्वर। ठीक है, आधा स्वर है। और इसको दूसरी भाषा में हमने क्या कहा कि स्वर और व्यंजन के बीच की ध्वनि, इसको क्या कहते हैं, स्वर और व्यंजन के बीच की ध्वनि। दो के बारे में चर्चा हो गई, बचा दो, तो र को क्या कहते हैं, प्रकंपित वर्ण या लुंठित वर्ण कहते हैं। ल को क्या कहते हैं, पार्श्विक व्यंजन या पार्श्विक वर्ण कहते हैं। ठीक है, चलिए जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट बनाइए, आगे देखते हैं। अब उष्म व्यंजन की ओर आगे बढ़ेंगे जल्दी से। आइए देखिए उष्म व्यंजन को देखते हैं दोस्त। चलिए आइए देखिए उष्म व्यंजन में कौन कौन आएगा, उष्म व्यंजन को देख लेते हैं। उष्म व्यंजन इसी को कहते हैं उष्म वर्ण। ठीक है, इसी को उष्म वर्ण भी कहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो उष्म वर्ण जो होता है, उष्म वर्णों की संख्या कितनी होती है, चार। श तथा ह, इतना आपको क्या करेगा, श श श ह। ठीक है, अब देखिए इसको क्या कहते हैं, इस वाले को कहते हैं तालव्य स्वर। इसको क्या कहते हैं, तालव्य स्वर। इसको कहते हैं मूर्धन्य स्वर, मूर्धन्य स्वर। इसको क्या कहते हैं, दंत्य स। इसको कहते हैं दंत्य स। तीनों का दोस्त अलग अलग नाम है, ठीक है, लेकिन इनको जानने से पहले देखते हैं कि उष्म व्यंजन किसे कहते हैं या उष्म व्यंजन किसे कहते हैं। तो उष्म का अर्थ होता है गर्म, उष्म का अर्थ का होता है गर्म। ठीक है, ऐसा व्यंजन या ऐसा व्यंजन या व्यंजन का ऐसा प्रकार जिसका उच्चारण करते समय, ऐसा व्यंजन या व्यंजन का ऐसा प्रकार जिसका उच्चारण करते समय बहुत तेजी से हवा गर्म निकले, हवा का निकले, गर्म निकले या गर्म हवा निकलती है मुख से, उसे क्या कहते हैं, उसे उष्म व्यंजन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, उष्म व्यंजन। उष्म व्यंजन की संख्या कितनी होती है, चार। श स स ह, ठीक है, श स स ह। देखिए इसमें जो स स होता है, तीनों स का अलग अलग नाम होता है, सभी लोग कहते हैं कि एक ही है, एक ही नहीं है दोस्त। तीनों स का क्या होता है, अलग अलग नाम होता है। जो बड़ा स होता है, हम लोग छोटी कक्षा में जब बड़ा स, छोटा स, मूर्धन्य स, खटपोड़ करके पढ़ते थे ना, उसका अलग अलग नाम होता है। जो आपका बड़ा स होता है इसको कहते हैं तालव्य स। फिर इसके बाद जो आपका खटकोण होता है इसको कहते हैं मूर्धन्य स। फिर इसके बाद जो दंत्य स होता है यानी छोटा स होता है इसको कहते हैं दंत्य स।
कहते क्यों है इसको देखिए, तो जो आपका है स है ना, यह वाला स, इसका उच्चारण तालु से होता है, किससे होता है तालु से, इस कारण इसको तालव्य स कहते हैं। जब आप इसका उच्चारण करेंगे तो आपकी जिह्वा ऊपर की तरफ क्या करती है, जाकर तालु को स्पर्श करती है। जैसे उच्चारण करते समय या जिस स का उच्चारण करते समय जिह्वा ऊपर की तरफ तालु को स्पर्श करती है, उसे तालव्य स कहते हैं। ठीक है, अब जिस व्यंजन का उच्चारण करते समय या जिस स का उच्चारण करते समय आपकी जिह्वा मूर्धा को स्पर्श करती है, उसे मूर्धन्य स कहते हैं। और जिस स का उच्चारण करते समय हमारी जिह्वा या आप लोगों की जिह्वा या सबकी जिह्वा दंत को स्पर्श करती है, उसे क्या कहते हैं, दंत स कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, दंत स। तीनों के बारे में चर्चा हो गई, बचा आपका ह। क्या बचा, ह। अब ह के बारे में विस्तृत चर्चा कर लेते हैं। ह के बारे में क्या करेंगे, विस्तृत चर्चा कि ह को क्या क्या कहते हैं। तो ह को जो जो कहने का काम है उसको देखते हैं। ह को क्या कहते हैं, तो ह को कहते हैं काकल्य वर्ण। ह को क्या कहते हैं दोस्त, काकल्य वर्ण भी कहते हैं। ह को कहते हैं काकल्य वर्ण। ह को क्या कहते हैं, काकल्य वर्ण कहते हैं। और क्या कहते हैं ह को, तो ह को और क्या कहते हैं उसको देखते हैं। इसको कहते हैं अली जिह्वा वर्ण। इसको क्या कहते हैं, अली जिह्वा, अली जिह्वा वर्ण। काकल्य वर्ण भी कहते हैं, अली जिह्वा वर्ण भी कहते हैं। और इसको क्या कहते हैं, तो इसी को कहते हैं द्वितीय प्रकंपित वर्ण। द्वितीय प्रकंपित वर्ण, प्रकंपित वर्ण। ठीक है, द्वितीय प्रकंपित वर्ण। आगे देखिए इसको और क्या कहते हैं, इसको कहते हैं द्वितीय प्रकंपित वर्ण, अलिजिहवा वर्ण, काकल्य वर्ण। और इसको क्या कहते हैं, स्वरतंत्री वर्ण, स्वरतंत्रीय वर्ण। ह को इतने नाम से जाना जाता है, आपके सामने प्रस्तुत है। ह को कितने नाम से जाना जाता है, चार नाम से, काकल्य वर्ण, अलिजिहवा वर्ण, द्वितीय प्रकंपित वर्ण तथा स्वरतंत्रीय वर्ण। ह को इतने नाम से जाना जाता है। यह क्या रहा आपका उष्म व्यंजन, हो गया। चलिए आगे देखते हैं, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट बनाइए या तो साथ में लिखते रहिए। ठीक है, हो गया दोस्त। चलिए आइए देखिए, इसको मिटाते हैं और अब आगे हम लोग बढ़ेंगे, किसको देखेंगे। तो अब आपका बचा क्या है, तो द्विगुण व्यंजन बचा है और संयुक्त व्यंजन बचा है, उसको भी देख लेते हैं। तो द्विगुण व्यंजन को देखते हैं, द्विगुण व्यंजन देखिए आपका मिलेगा द्विगुण व्यंजन, इसी को द्विगुण वर्ण भी कहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, द्विगुण व्यंजन या द्विगुण वर्ण। ठीक है, चलिए देखिए आइए, द्विगुण की संख्या क्या होती है, तो द्विगुण की संख्या होती है दो। द्विगुण की संख्या दो, ऐसा व्यंजन वर्ण जिनका उच्चारण करते समय हमको दो गुण प्राप्त होते हैं। ठीक है, नहीं मूल रूप नहीं प्राप्त होगा, दोनों को मिलने के बाद कोई तीसरा प्राप्त होता है, उसे कहते हैं द्विगुण व्यंजन। कैसे, तो देखिए इसमें आपको शामिल किया जाता है ण और ढ। ठीक है, ण और ढ, जैसे लड़ाई पढ़ाई। ठीक है, लड़ाई आपको लिखेंगे जब लड़ाई, तो ऐसे नहीं ना लिखते हैं लड़ाई, यह क्या कहलाएगा द, डाई, लड़ाई। लेकिन इसके नीचे लगा देंगे एक बिंदी तो बन जाएगा लड़ाई, क्या कहलाएगा लड़ाई। अब इसमें लिखिए पढ़ाई, क्या है पढ़ाई, पढ़ाई है तब तक जब तक इसके नीचे हाई बिंदु नहीं लगा है, तब तक, जब लग जाएगा तो क्या बन जाएगा पढ़ाई बन जाएगा। ठीक है, बिंदु लगने के बाद, बिंदु लगने के बाद यह ढ न कहकर ढ कहा, ढ, न बिंदु का कोई मतलब रहा न उस ढ का मतलब रहा, बन गया क्या ढ।
लेकिन यह क्या बना, न ड और बिंदु का मतलब रहा, बन गया क्या अड। तो लड़ाई ऐसा व्यंजन जिनका उच्चारण करते समय दो रूपों का मिलाकर एक बोध हो उसे क्या कहते हैं, द्विगुण व्यंजन कहते हैं, या ऐसे व्यंजन जो दो गुण को प्राप्त करते हैं या दो गुण को प्राप्त करते हैं या देते हैं उन्हें कहते हैं द्विगुण व्यंजन। और द्विगुण व्यंजन की संख्या कितनी होती है, दो, आपको मिलेगा अढ़ और अढ़, ठीक है, पढ़ाई अढ़ और अढ़ हो गया। तो हमने आप लोगों को ध्यान दीजिए बताया क्या था कि उच्चारण स्थान के आधार पर वर्णों की संख्या कितनी होती है, उच्चारण स्थान के आधार पर कितना बताया था व्यंजन को, उच्चारण उच्चारण स्थान के आधार पर, उच्चारण स्थान के आधार पर कितना बताया था दोस्त, 35, कितना बताया था 35। अब 35 कौन कौन से हैं उसको देख लेते हैं। तो स्पर्श व्यंजन, उष्म व्यंजन स्पर्श व्यंजन, उष्म व्यंजन, और उष्म व्यंजन के बाद क्या आया, तो उष्म व्यंजन के बाद अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, फिर इसके बाद क्या आया, तो इसके बाद अंत में आया द्विगुण व्यंजन, द्विगुण व्यंजन। यही सभी जो आएंगे आपके उच्चारण स्थान के आधार पर आएंगे। तो स्पर्श व्यंजन की संख्या कितना हो गई, 25, उष्म की संख्या 4, अंतस्थ की संख्या 4, 25 4 29, 29 4 33, 33 2 35। यही जो है आपके उच्चारण स्थान के आधार पर क्या है, वर है। यही क्या है, उच्चारण स्थान के आधार पर व्यंजन का वर्गीकरण कैसे करेंगे, तो आपके समक्ष है। चलिए अगला वाला देख लेते हैं, क्या संयुक्त व्यंजन, आगे चलिए देखिए, देखेंगे तीसरा वाला संयुक्त व्यंजन। आइए देखिए संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन ऐसा व्यंजन या ऐसे व्यंजन जिनका निर्माण दो व्यंजन तथा एक स्वर, या तो सीधा सीधा कह सकते हैं कि व्यंजनों के मेल से या व्यंजन और स्वर के मेल से हुआ है, उसे क्या कहते हैं, संयुक्त व्यंजन कहते हैं। और संयुक्त व्यंजन में कितना शामिल है, तो संयुक्त व्यंजन में आपको मिलेगा 4, पहला वाला 6, त्र, ज्ञ, और क्या मिलेगा, स्र। आगे चलिए देखिए यह बना कैसे है, तो त और र के योग से, देखिए त्र कैसे बना है इसको देखते हैं, त और र के योग से क्या बना, त्र। क्षत्रिय छ कैसे बना, क्षत्रिय छ बना क और स के योग से बना, क्षत्रिय छ। ज्ञ यह कैसे बना, तो ज और ञ के योग से बना। श्र कैसे बना, तो श और र के योग से बना, ठीक है। इससे क्या बन गया, आपको समक्ष में आ गया कि यह क्या है, आपके समक्ष प्रस्तुत है दोस्त संयुक्त व्यंजन। तो आपको आशा करता हूं कि समझ में आया होगा आज की कक्षा। तो मिलेंगे अगले दिन अगले एपिसोड में अगली कक्षा में, तब तक के लिए धन्यवाद, जाने की आज्ञा दीजिए मेरे दोस्तों, जय हिंद, नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।